हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज की जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है वेदांता पावर की तरफ से। यहाँ पे बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। बेसिकली वेदांता पावर पावर सेक्टर की कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इवन एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बताऊंगा ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। बस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, मोटिवेशन बना रहेगा। अब बात करते हैं फटाफट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पहला पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म फीस यहाँ पे आपको एक रुपया पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपको फॉलो करना है, आप डायरेक्टली अपने मोबाइल के थ्रू अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये आता है, यहाँ पे फ्रेशर के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप फ्रेशर कैटेगरी में आते हैं और आपको जॉब की नीड है तो आप 100% यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आप अप्लाई जरूर करिएगा, चांसेस मैक्सिमम बनेंगे आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने के। बस आपको जो स्टेप्स बताऊंगा उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, आपने डिप्लोमा किया आप अप्लाई कर सकते हैं। बीबीटेक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आईटी वाले कैंडिडेट ध्यान से सुनना, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो मेरे भाई बहन आईटी किया हुआ है उसको वीडियो को लाइक कर देना है। कमेंट बॉक्स में आप अपने ट्रेड को जरूर से बता दीजिएगा ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी ब्रांच से रिलेटेड देखने को मिलेगी, आपके ट्रेड से रिलेटेड देखने को मिलेगी और इनडायरेक्टली वहां पर आपको जरूर से फायदा होने वाला है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर देना। जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता रहता है ऐसी बेहतरीन वीडियो बनाने का, और ये वीडियो ऑटोमेटिकली उन लोगों तक पहुंच जाएगी जो कि एलिजिबल रहने वाला है। आपका लाइक का टारगेट रहेगा 500+ का, आपको लाइक करवा देना है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना है और दबा के कमेंट बॉक्स में आपको अपनी ब्रांच को मेंशन कर देना है, आपको अपने ट्रेड को बता देना है किस ट्रेड में आपने आईटीआई आपने बीबीटेक किया है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेटेड देखने को मिले। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। अप्लाई प्रोसेस सिंपल सा रहेगा, इवन अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो जो स्टेप्स बता रहा हूँ उसके फॉलो करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको सर्च बार दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखना है वेदांता पावर, साइड में सर्च का ऑप्शन दिख रहा है इस पर कर देना है क्लिक। डायरेक्टली यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आपको इस वेबसाइट पे ही चले जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है, यहाँ पे साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेन्यू का, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे नीचे कैरियर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरियर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो आपको डायरेक्टली कैरियर वाले पेज पे चले जाना है। जैसे आप कैरियर वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन अस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट योर जर्नी विथ वेदांता, आपको ज्वाइन अस वाले ऑप्शन पे कर देना है यहाँ पे क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने वापस से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको इसी पेज का लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे दो डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। SCMM डिपार्टमेंट रहेगा जो कि आपका माइंस का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर माइंस के अंदर वैकेंसी लेके आइए, यहाँ पे माइंस का डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो वैकेंसी आपके रहेगी वो माइनिंग के अंदर देखने को मिलेगी, शिफ्ट इंजीनियर का वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों की दोनों वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी रहेगी, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं चलेगा। पहली जो वैकेंसी आपके लिए रहेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट इंजीनियर का वैकेंसी आपके यहाँ पे रहेगा, जिसमें आपका जो जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा वो आपका राजस्थान जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा RDM माइनिंग आपका डिपार्टमेंट रहेगा। 2 सितंबर को ये जॉब पोस्ट आउट की गई है। ये जॉब अगर आप कभी 2-3 दिन बाद या 5-10 दिन बाद वीडियो को देख रहे हैं आपको ये जॉब शो नहीं हो रही है तो इस मान के चलिए जॉब एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है कि इसका कोई डेडलाइन फिक्स रहे, ये कभी भी एक्सपायर हो सकती है। जब इसका पूरे के पूरे फॉर्म फिल हो जाते हैं तभी एक्सपायर हो जाएगी। और ये जो एम्प्लॉयमेंट टाइप रहेगा आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप रहेगा, एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर कैटेगरी में आते हैं
और अगर आपने डिप्लोमा किया या फिर अगर आपने बीबीटेक किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा जिन्होंने किया उनके लिए जो पोजीशन देखने को मिलेगा डीटी का, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का, और जिन्होंने बीबीटेक कर रखा है लाइक इंजीनियरिंग कर रखा है 4 साल का, उनके लिए यहाँ पे जीटी का पोजीशन देखने को मिलेगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ब्रांच यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, तो आपकी कोई भी ब्रांच है लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी ब्रांच अगर आपने बीबीटेक किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन आपको यहाँ राजस्थान का देखने को मिलने वाला है। अगली जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो SCMM का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका रहेगा सेकंड क्लास माइंड मैनेजर का वैकेंसी आपका यहाँ पे रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये परमानेंट वैकेंसी है, मतलब कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट पे नहीं चलेगा। ये 8 सितंबर को यहाँ पे जॉब पोस्ट आउट किया गया, पब्लिश यहाँ पे 8 सितंबर को हुआ है। अगर आप वीडियो 10 दिन बाद देख रहे हैं, 15 दिन बाद देख रहे हैं, या कभी भी देख रहे हैं आपको ये जॉब नहीं दिख रहा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, इसका मान के चले कि जॉब एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया आप अप्लाई कर सकते हैं, बीबीटेक किया आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा और बीबीटेक के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले ये लॉगिन का बोलेगा, तो अगर आपने पहले कभी वेदांता में अप्लाई किया तो आपको डायरेक्टली लॉगिन कर लेना है, किसकी हेल्प से, अपनी जीमेल आईडी के थ्रू, या फिर आप अगर लिंक्डइन पे है तो आप उसके थ्रू भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड का जो माथापच्ची रहेगा वो क्रिएट करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं पासवर्ड क्रिएट करने के अंदर, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी के थ्रू भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन होगा साइनअप का, आपको डायरेक्टली साइनअप वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही दो ऑप्शन आएंगे, आप साइनअप कर सकते हैं किसके थ्रू, जीमेल आईडी के थ्रू, आप लिंक्डइन के थ्रू भी साइनअप कर सकते हैं। और अगर आपने हमको लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर देना, पर डे आपको 10 से 15 जॉब अपडेट देखने को मिल जाएगा लिंक्डइन पे, ठीक है, अगर आप हमको फॉलो करके रखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे करना क्या है, दोनों में से किसी के थ्रू भी आप यहाँ पे इसको साइनअप कर लेना। साइनअप करने के बाद डायरेक्टली आपका पेज वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, देन फिर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्लिक करना है, आपको फर्दर प्रोसेस को फॉलो करना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है। यही पूरा आपका यहाँ पे रहने वाला है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आपका भाई आपका इंस्टेंट रिप्लाई कर देगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बता देना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपकी ब्रांच और आपके ट्रेड से रिलेवेंट आपको देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।